सम्मानीय शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL Info by केश लाल सर में हार्दिक स्वागत है। यह बहुत ही काम की खबर है। 2020-21 में राशि उपलब्धता के आधार पर भेजी जाने वाली राशियों की जानकारी, उद्देश्य, स्वच्छता भवन, रख रखाव, स्टेशनरी, टाट पट्टी, दरी, मरम्मत, शिक्षण सामग्री, राष्ट्रीय समारोह, बैठक आदि गतिविधि निधि, एकीकृत शाला निधि, 1 से 15 छात्र तक 12,500 रुपये, 16 से 100 छात्र तक 25,000 रुपये, 101 से 250 छात्र तक 50,000 रुपये, 251 से 1,000 छात्र तक 75,000 रुपये, 1,000 से अधिक छात्र पर 1,00,000 रुपये। बीमारी, दुर्घटना, अवांछित गतिविधियों से बचाव हेतु शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण, बचाव और सुरक्षा, प्रति शिक्षक राशि रुपये 500 संपूर्ण वर्ष हेतु। सुनने, समझने, बोलने, शिष्टाचार, अनुशासन आदि क्षमताओं का विकास करना, बाल सभा, राशि रुपये 1,000 प्रति विद्यालय संपूर्ण वर्ष हेतु। वैज्ञानिक, समाज एवं आसपास के वातावरण, वस्तुओं, रचनाओं के संबंध में रुचि, यूथ, यूको क्लब, राशि रुपये 5,000 प्रति विद्यालय। उत्पन्न करने के लिए विज्ञान मित्र क्लब, आसपास की खोज आदि का आयोजन हेतु। छात्र छात्राओं के शारीरिक विकास एवं विभिन्न शारीरिक क्षमताओं में दक्षता विकास, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर हेतु रुपये 5,000, माध्यमिक स्तर हेतु रुपये 10,000 रुपये, EPS शाला हेतु रुपये 10,000 रुपये। माध्यमिक स्तर की बालिकाओं को आत्मरक्षा संबंधी योग्यताओं में प्रवीण बनाना, बालिका आत्मरक्षा, प्रति विद्यालय रुपये 9,000, जहाँ बालिकाओं का नामांकन अधिक है। कक्षा 1 व 2 के छात्र छात्राओं के लिए स्लेट व अन्य शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्लेट शैक्षणिक सामग्री प्रति छात्र रुपये 50-70, बेस लाइन एंड लाइन प्रतिभा पर्व वार्षिक मूल्यांकन प्रति छात्र राशि रुपये 31, शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों के लिए प्रशिक्षण SMC प्रशिक्षण प्रति विद्यालय रुपये 1,500, जो बच्चे 95% से अधिक उपस्थित रहे हों 1 से 8 तक में प्रत्येक कक्षा से ऐसे एक बालक व एक बालिका के लिए सील का प्रमाण पत्र हेतु SMC मोटिवेशन प्रति विद्यालय रुपये 800। तो इस तरह शालाओं में जो है तो राज्य सरकार द्वारा राशि भेजी जाती है, जिसकी जानकारी सभी शिक्षकों को होना अनिवार्य है। यह जानकारी व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक शिक्षक साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।